अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स। फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर होगा मेजरमेंट्स और उसका पहला टॉपिक आज पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स या फिज़िक्स के तारुफ से पहले हमें कुछ अहम चीज़ें जाननी हैं। वो अहम चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। मसलन नेचुरल फिलॉसफी और साइंस में क्या डिफरेंस है, आइए बढ़ते हैं उसकी तरफ। हम जानते हैं कि इंसान जैसे ही मार्ज वजूद में आया, जैसे ही दुनिया बनी, उसमें इंसान का वजूद रूनुमा हुआ, इंसान ने तभी से ही तगोदो मुशक्क़त सोचना समझना शुरू कर दिया। कायनात की बनी हुई जितनी चीज़ें थी, नेचर को समझना शुरू कर दिया। ये पहाड़, ये दरिया, ये समुंदर, ये आसमान, ये सितारे, ये चांद, ये सूरज किस तरह से गर्दिश कर रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं, इनकी क्या हरकतों अमल इनके कैसे हो रहे हैं, ये सारा कुछ जानना शुरू कर दिया। नेचर को ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दिया, नेचर पे मुशाहदात करने शुरू कर दिए, कुदरत की बनाई हुई चीज़ों पे अहमियत देना शुरू कर दी, उन्हें समझना शुरू कर दिया। तो वो जो इल्म था, जिसके लिए, जिसको समझने के लिए, जिसके जवाबात देने के लिए, कुदरत की बनाई हुई चीज़ों को समझने के लिए, उसके जवाबात देने के लिए उसे किसकी ज़रूरत थी? लॉजिक्स की ज़रूरत थी। लॉजिक, ऐसा इल्म, ऐसा नॉलेज जिसके लिए हम क्या तलाश करते हैं, लॉजिक तलाश करते हैं, मंतक तलाश करते हैं। मंतक क्या होती है? एक ऐसा आर्गुमेंट, ऐसे कमेंट्स, ऐसे बयानात, ऐसे अल्फाज जिससे दूसरा बंदा सेटिस्फाई हो जाए, उसका जहन मान जाए, उसके वो तस्लीम कर ले। तो नेचुरल फिलॉसफी कुदरती फलसफा, कुदरत की बनाई हुई जितनी भी चीज़ें थी, नेचर कुदरत की बनाई हुई जितने भी चीज़ें थी, उनको ऑब्ज़र्व करना, उन्हें देखना, उनके मुतल्लिक हाउ एंड वाई इनके जवाबात देना, कैसे क्यों इनके जवाबात देना, और इनके जवाबात के लिए कुदरत की बनाई हुई चीज़ों को समझ के उनके जवाबात के लिए लॉजिक ढूंढना, वो सारी चीज़ें किस में आईं? नेचुरल फिलॉसफी में कोई डेटा एक्सपेरिमेंटेशन ज़रूरी नहीं है, नेचुरल फिलॉसफी में लॉजिक्स के ज़रिए जवाब दिया जाता है। जैसे वो टॉक शोज़ हो रहे हों, जैसे साइंसदान बैठे आपस में बात कर रहे हों और ऑडियंस सुन रही हो, तो हम किसे दुरुस्त समझते हैं, हमारा इल्म अकल किसे दुरुस्त समझती है, जिसके आर्गुमेंट हम समझते हैं कि मजबूत है, जिसके दलाइल मजबूत हैं, जिसकी लॉजिक्स मजबूत हैं, हम उसका जवाब दुरुस्त समझते हैं। इसी तरह से अनटिल 19वीं सदी तक 1899 तक क्या था, ये 19वीं सदी थी, और क्या था तब तक जी, 19 सेंचुरी शुरू होने तक क्या था, ये इल्म जो था, जो साइंस थी, वो बेसिकली नेचुरल फिलॉसफी थी। उसके बाद नेचुरल फिलॉसफी को किस में चेंज कर दिया गया, नेचुरल फिलॉसफी ने बर्थ हुई उसकी, और वो बर्थ क्या थी, उस बर्थ का नाम था साइंस। नेचुरल फिलॉसफी का बेटा, नेचुरल फिलॉसफी की मेन शाख वो क्या थी, साइंस। और हम जानते हैं साइंस कहाँ से निकली है, साइंशिया लफ्ज़ है लैटिन ज़ुबान का, और इसका मतलब है नॉलेज। अब क्या फिर फ़र्क है नेचुरल फिलॉसफी और साइंस में, क्या फ़र्क? नेचुरल फिलॉसफी कुदरती चीज़ों को देखना, परखना, समझना, बूझना थ्रू लॉजिक्स के ज़रिए, जबकि साइंस जो है वो चीज़ों को देखना, ऑब्ज़र्व करना, और उन पे क्या करना, एक्सपेरिमेंट्स करना भी है। एक्सपेरिमेंट्स करके क्या इकट्ठा करना, डेटा इकट्ठा करना, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, फिर रिज़ल्ट निकालना, वो क्या है, साइंस है। बल्कि इसमें आप लॉजिक्स के ज़रिए ही समझा सकते हैं, लॉजिक्स के ज़रिए ही बता सकते हैं, वो नेचुरल फिलॉसफी थी। अनटिल 19th सेंचुरी, अनटिल एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के शुरू के अंदर, 1801 जब शुरू हुआ, 1801 से लेके क्या हुआ जी, हमने क्या कहा, नेचुरल फिलॉसफी को डिवाइड कर दिया, किस में डिवाइड कर दिया जी, साइंस के अंदर। साइंस बहुत बड़ा शोबा बन गया। अब साइंस इस कदर वसी थी, नॉलेज जैसे जैसे बढ़ता गया, साइंस को क्या करना पड़ा, नेचुरल फिलॉसफी की शाख बनी साइंस। अब साइंस की कितनी आगे मज़ीद शाखें बन गई, दो
नेचुरल फिलासफी और साइंस का डिफरेंस समझ आ गया। अब साइंस आगे चलती है, साइंस कितनी तरह की है? दो तरह की, एक है फिजिकल साइंस और दूसरी है बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस एक ऐसी साइंस है जो किन के मुतल्लिक है? नॉन लिविंग थिंग्स के, कायनात के अंदर जितनी भी बेजान चीज़ें, ये दरख्त, सॉरी दरख्त कह रहा हूँ, ये दीवारें, ये जान, ये गाड़ियाँ, ये टेबल्स, ये वाइट बोर्ड्स, ये जितनी भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो बेजान है, जिनमें जान नहीं है, उनका इलम किस में आएगा? फिजिकल साइंस में, नॉन लिविंग थिंग्स का इलम, नॉलेज। इसमें क्या है? बायो का लफ्जी मतलब ही लाइफ है, लिविंग थिंग्स का नॉलेज इसमें आ जाएगा, जानदार चीज़ों का इल्म इसमें आ जाएगा, बायोलॉजिकल साइंस। हमारा कंसर्न इसके साथ नहीं है, हमारा कंसर्न फिजिकल साइंस के साथ है, क्योंकि हमारी फिजिक्स किस में है? फिजिकल साइंस के अंदर। फिजिकल साइंस के आगे पांच बड़ी शाखें हैं, फिजिकल साइंस की आगे पांच बड़ी शाखें हैं, उनमें से एक शाख फिजिक्स है, मैं वो बता भी देता हूँ। फिजिकल साइंस ऐसी साइंस जिसमें हम किन चीज़ों का इलम हासिल करते हैं? बेजान चीज़ों का। फिजिकल साइंस के पांच बड़े शोबे हैं, उनमें से क्या है? सबसे पहला शोबा, सबसे पहली शाख, सबसे पहली ब्रांच फिजिक्स है, फिर क्या है? केमिस्ट्री है, फिर एस्ट्रोनॉमी है, फिर जी जियोलॉजी है, जियोलॉजी है, और उसके बाद मटेरियोलॉजी। मटेरियोलॉजी मौसमियात का इलम, ज़मीन का इलम, सितारों का इलम, केमिस्ट्री एसिड बेसिस का इलम, और ये फिजिक्स कायनात की हर चीज़ का इलम, मैटर एनर्जी का इलम, ये हमारी इसमें फिजिक्स छुपी हुई है, फिजिकल साइंस। साइंस जो कि नेचुरल फिलासफी का सन था, नेचुरल फिलासफी का सपूत था, नेचुरल फिलासफी का सबसे जो सारा उसका लेके आगे चला, उस साइंस के आगे फिजिक्स केमिस्ट्री, साइंस के जो दो बने फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस वहीं छोड़ दिए हमने, फिजिकल साइंस हमारी फिजिक्स के अंदर है। आइए जी आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स के अंदर। आप इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स की तरफ बढ़ने से पहले हमें जानना है, बोर्ड के अंदर एक सवाल आता है, नेम थ्री मेन फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस। फंडामेंटल साइंस, फंडामेंटल साइंस का सवाल आ जाए तो यहाँ उसका जिक्र, सिर्फ नाम ही की जिक्र है उसका, फंडामेंटल साइंस। चार साइंसेज हैं जिन्हें फंडामेंटल साइंसेज कहा जाता है, साइंसेज में से चार ऐसी साइंसेज हैं जिन्हें फंडामेंटल साइंसेज कहा जाता है, जिसमें सबसे पहले है फिजिक्स, फिर है केमिस्ट्री, फिर है बायोलॉजी, और फिर है मैथमेटिक्स। ये बुनियादी साइंस हैं, बुनियादी, जिसमें से ये नेचुरल साइंस है, बाकी फिजिकल साइंसेज में आ जाती हैं, ठीक है। ये चार फंडामेंटल साइंसेज हैं, फंडामेंटल साइंसेज। अब फंडामेंटल साइंस जो है, फंडामेंटल साइंस जो है, बुनियादी साइंस जो है, उसके तीन बड़े सपूत हैं, तीन तरह की हो सकती है फंडामेंटल साइंस। या तो बहुत बड़ी चीज़ों का इलम, या फिर बहुत छोटी चीज़ों का इलम, या फिर मिडल साइज, दरमियाने साइज की चीज़ों का इलम। जो फंडामेंटल साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स, ये इल्म जो है, या तो बहुत बड़ी चीज़ों का इल्म हो सकता है, फिजिक्स में हम बहुत बड़ी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री में बहुत बड़े, उन जो बायोलॉजी में, लेकिन फोकस हम कर रहे हैं फिजिक्स, फिजिक्स की फंडामेंटल जो हैं, फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी जो साइंस है, बुनियादी जो साइंस है, उसके तीन फ्रंटियर्स हैं। फ्रंटियर मीन समझ लीजिए सरहद को कहते हैं। फंडामेंटल साइंसेज तीन उसके बुनियादें हैं, तीन उसके पिलर्स हैं, किसके? फंडामेंटल साइंस के। फंडामेंटल साइंस मैंने बता दी कौन सी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और मैथमेटिक्स है। सबसे पहले है एक्सट्रीमली लार्ज, फिर है जी एक्सट्रीमली स्मॉल, और तीसरा है मिडल साइज्ड। ये फंडामेंटल साइंस इन तीन बड़े शोबों में डिवाइड है। शोबों से क्या मुराद? फ्रंटियर्स कह लीजिए, ऐसे सरहदें हैं, तीन बड़े हिस्से, पार्ट्स। बहुत बड़ी चीज़ों का इलम फंडामेंटल साइंस, बहुत छोटी चीज़ों का इलम फंडामेंटल साइंस, और दरमियाने साइज की चीज़ों का इलम फंडामेंटल साइंस। कायनात की जो
चीज़ों के मुख्तलिफ साइज़ है ना, ये साइज़ की बुनियाद पर हमने, ये उनके साइज़ की बुनियाद पर हमने फंडामेंटल साइंस को उसके साइज़ की बुनियाद पर तकसीम किया। एक्सट्रीमली लार्ज क्या है? एक्सट्रीमली लार्ज फिज़िक्स या एक्सट्रीमली लार्ज फंडामेंटल साइंस, फिज़िक्स इसमें आती है ना, इसलिए आप कह सकते हैं एक्सट्रीमली लार्ज फिज़िक्स या एक्सट्रीमली लार्ज फंडामेंटल साइंस के अंदर क्या आएगा? यूनिवर्स इट्सेल्फ। अगर मैं एक्सट्रीमली लार्ज की बात करूं, मैंने एक्सट्रीमली लार्ज चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है, देखना है, उनकी स्टडी करनी है, तो पूरी कायनात ही इसके अंदर आ जाती, पूरी कायनात ही इसके अंदर आ जाएगी। क्या रेंज है इसकी? और इसकी मिसालों में फायर लाइट, फायर लाइट ये वो लाइट है जो कि साइंसदानों का ख्याल है कि आज से तकरीबन 20 करोड़ साल पहले, 20 बिलियन ईयर्स अगो, जब बिग बैंग हुआ था, बिग बैंग हुआ तो 20 करोड़ साल पहले लाइट क्रिएट हुई थी, जिसकी वजह से कायनात ने फैलना शुरू कर दिया, यूनिवर्स ने एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। मतलब यूनिवर्स आप जानते हैं कि लम्हा बलम्हा का फैल रही है, ये हकीकत है कि कायनात फैल रही है, और वो रोशनी जो बिग बैंग के नतीजे में पैदा हुई थी, फायर लाइट, वो ट्रैवल करती हुई हमने महसूस की, उसका वजूद वेरी मैसिव है, उसका वजूद वेरी मैसिव है, एक्सट्रीमली लार्ज के अंदर आता है वो रोशनी, वो रोशनी जो बिग बैंग के नतीजे में पैदा हुई थी और वो वेव्स की शक्ल में हम तक पहुँची, उसका वजूद और कायनात खुद भी, पूरी कायनात, ये हमारी गलेक्सी हो या मल्टीपल गलेक्सीज हों या पूरी कायनात की स्टडी किस में आ जाएगी? फिज़िक्स के कौन से शोबे के अंदर? एक्सट्रीमली फिज़िक्स के कौन से धड़े के अंदर, फिज़िक्स के कौन से साइंसेस के कौन से उस पहलू के अंदर, बड़े शोबे के अंदर, उसका नाम एक्सट्रीमली लार्ज साइंस या एक्सट्रीमली लार्ज फिज़िक्स। इसकी रेंज क्या है फिर? अर्थ से बड़ी चीज़ें, अर्थ के साइज से बड़ी चीज़ें जितनी भी हैं वो इस एक्सट्रीमली लार्ज में स्टडी होंगी, साइंस के किस शोबे में? एक्सट्रीमली लार्ज। दूसरी तरफ आइए, दूसरी एक्सट्रीम है एक्सट्रीमली स्मॉल। एक्सट्रीमली स्मॉल की क्या रेंज है? एक्सट्रीमली स्मॉल में है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, मीजॉन्स, बोजॉन, वो सारे पार्टिकल्स जो इनविजिबल हैं और उनका वजूद भी है और कहीं एटम के पास या एटम के न्यूक्लियस में मौजूद हैं, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। तो इनका, इनकी रेंज क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मीजॉन, बोजॉन, ये सारे पार्टिकल या तो एटम के बाहर घूम रहे हैं या एटम के न्यूक्लियस में मौजूद है। इन सब की स्टडी एक्सट्रीमली स्मॉल फ्रंटियर, एक्सट्रीमली स्मॉल साइंस, एक्सट्रीमली स्मॉल फिज़िक्स। वो साइंसदान जो एक्सट्रीमली स्मॉल चीज़ों को पढ़ेंगे वो एक्सट्रीमली स्मॉल वाला ये सीखेंगे। एक्सट्रीमली लार्ज दुनिया से बड़े, जैसे कि सूरज है, जैसे कि मार्स है, नेपच्यून है, वो हमसे बड़े हैं, उनकी स्टडी एक्सट्रीमली लार्ज में आ जाएगी। और मिडल साइज फिज़िक्स या मिडल साइज साइंस, कौन सी साइंस? फंडामेंटल साइंस, क्योंकि सब फिज़िक्स इसके अंदर है। एक्सट्रीमली मिडल साइज के अंदर क्या आएगा? दरमियाने दर्जे की रेंज क्या होगी? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो हो गए, अर्थ के बड़ी चीज़ें तो हो गई, फिर इसकी रेंज क्या है? मॉलिक्यूल से लेके, क्योंकि एटम से, इसकी रेंज फिर कहाँ तक है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेके एटम तक रेंज है ना जी, इलेक्ट्रॉन से लेके एटम्स तक इसकी बाउंड्री है, यहाँ तक। इनकी बाउंड्री क्या है? अर्थ से बड़ी चीज़ें, अर्थ से मैसिव, ग्रेटर हो, ग्रेटर देन अर्थ, और कहाँ तक जाना है? पूरी यूनिवर्स इसमें आ जाएगी, पूरी यूनिवर्स इसकी मिसालों में आ जाएगी। और एटम से बड़ा क्या? मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से लेके अर्थ के साइज तक की चीज़ें, यहाँ अर्थ से बड़ी थी और यहाँ अर्थ के साइज की चीज़ें, जिसमें कि चांद भी आ जाएगा जो छोटा है हमसे, अर्थ के साइज तक की चीज़ें और मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन एटम्स मिलके आपको पता है मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, वो रेंज किस में आएगी? मिडल साइज फिज़िक्स या मिडल साइज साइंस, ये फंडामेंटल फिज़िक्स भी कह सकते हैं इसे, फंडामेंटल साइंसेस की तीन बड़ी शाखें, तीन बड़े शोबे, ये बड़ा ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जैसे ही बच्चों 19th सेंचुरी का जैसे इख्तिताम हुआ, साइंसदानों का ये ख्याल था कि हम बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है, बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है, जितनी रिसर्च होनी थी हो चुकी, इलम जितना आना था आ चुका। लेकिन फिर अब जानते हैं कि 19th सेंचुरी ख़त्म होने के करीब एक साइंसदान की बर्थ हुई जिसका नाम था आइंस्टाइन। आइंस्टाइन, इसने आके दुनिया ही बदल के रख दी, इसने कहा अभी तो हमने किया ही कुछ नहीं है, अभी तो रिसर्च हुई कुछ नहीं है, अभी तो हमने यूनिवर्स में फाइंड ही कुछ नहीं किया, फिज़िक्स का भी कुछ किया ही नहीं है। तो पहले जान लीजिए फिज़िक्स क्या है। फिज़िक्स
का अब इंट्रोडक्शन शुरू हुआ। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ क्या है जी? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर। फिजिक्स एक ऐसा इलम है जिसमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं, मैटर और एनर्जी और इसके अलावा इनका आपस में रिलेशनशिप या कह लीजिए इंटरेक्शन, आमना सामना। मैटर क्या है? एनीथिंग विच हैज मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हर वो चीज जो मैस रखती है, कायनात की कोई चीज नहीं है जिसके पास मैस ना हो, और क्या करती हो, जगह घेरती। दिखाई दे ना दिखाई दे, हवा जगह घेरे हुए, इलेक्ट्रॉन जगह घेरे हुए हैं, प्रोटॉन जगह घेरे हुए हैं, तो वो हर चीज क्या है, मैटर है। कायनात की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी चीज मैटर है। हर वो चीज जो मैस रखती है और जगह घेरती है उसे क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। और एनर्जी क्या है? जब उस मैटर के पास कुछ करने की सलाहियत आ जाती है, मैं एक मैटर हूँ, जब मैं खाना खाऊंगा उसमें सलाहियत आ जाएगी काम करने की, तो इसका मतलब मेरे पास क्या आ गई, एनर्जी आ गई। सो द प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय द मैटर, वो प्रॉपर्टी जो मैटर पोजेस करता है, मैटर के पास होती है, जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है, मैटर हरकत कर सकता है, अपनी जगह चेंज कर सकता है, वो क्या कहलाती है, उसकी एनर्जी। मैटर के पास जो प्रॉपर्टी आ जाएगी, मैटर उसके पास जो प्रॉपर्टी आए और जिसकी वजह से वो क्या कर सके, एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह, या अपनी जगह चेंज कर ले या वो हरकत कर ले, वो क्या कहलाएगी, उसकी एनर्जी कहलाएगी। सो मैटर एनर्जी, इनका आपस में ताल्लुक किस में स्टडी किया जाता है, फिजिक्स के अंदर। तो कायनात की हर चीज़ तो मैटर है, कायनात की हर चीज़ के पास एनर्जी हो सकती है, तो इनकी स्टडी किस में आती है, फिजिक्स के अंदर। जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था, अनटिल 19th सेंचुरी साइंसदानों ने समझा कि इलम का ख़त्म होने को है, जितना इलम आना था आ चुका, लेकिन फिर फिज़िक्स इतनी ज़्यादा वसी हो गई, इतना नॉलेज था, जैसे कि आइंस्टाइन के आने के बाद फिज़िक्स के हमें क्या बनाने पड़े, मज़ीद शोबे, इसमें से चार बड़े ही अहम शोबे हैं, न्यूक्लियर फिज़िक्स, उसके बाद है पार्टिकल फिज़िक्स, फिर है जी रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, फिर है जी सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। ये शोबे कब बने, जब फिज़िक्स का नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, फिज़िक्स को आगे डिवाइड करना पड़ा न्यूक्लियर फिज़िक्स में, पार्टिकल फिज़िक्स में, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में। अब न्यूक्लियर फिज़िक्स क्या है, न्यूक्लियर फिज़िक्स क्या है, नाम से ही जाहिर है, न्यूक्लियर फिज़िक्स है मुख्तलिफ एटमों के न्यूक्लियाई को जानना। हाइड्रोजन का न्यूक्लियस देखना, कार्बन का न्यूक्लियस देखना, नाइट्रोजन का न्यूक्लियस देखना, सोडियम का न्यूक्लियस देखना, कौन सी फिज़िक्स कहलाएगी, न्यूक्लियर फिज़िक्स। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखे जाते हैं, न्यूक्लियाई, मुख्तलिफ एटमों के न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई देखे जाते हैं। पार्टिकल फिज़िक्स क्या है, ये मेरे साथ आपके सामने एक मैटर है, मैटर है ना जी, सॉलिड है, मैटर है, लिक्विड मैटर है, गैस मैटर है, प्लाज्मा मैटर है, ये सॉलिड है। ये मैटर किन पार्टिकल से बना है, किन पार्टिकल से बना है, द पार्टिकल्स विद विच द मैटर इज कंपोज्ड, ये जानना कि ये किन पार्टिकल्स के, कार्बन के, ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के, सल्फर के, किन पार्टिकल से मिलकर बना है, ये कौन सी फिजिक्स कहलाएगी, पार्टिकल फिजिक्स। क्या जानना, पार्टिकल्स विद विच द मैटर इज कंपोज्ड। फिर है जी, हाँ जी, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स क्या है जी, फिज़िक्स का एक ऐसा शोबा जिसमें हम, फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम क्या जानते हैं, कायनात की हर हरकत करती हुई चीज़, कायनात की हर हरकत करती हुई चीज़ को किससे कंपेयर करते हैं, गाड़ियों को किससे कंपेयर करते हैं, जहाज़ों को किससे कंपेयर करते हैं, मशीनों को किससे कंपेयर करते हैं, परिंदों को किससे कंपेयर करते हैं, कायनात की सबसे तेज़ रफ्तार रोशनी के साथ। रिलेटिव मुवाजना करना, मैकेनिक्स मोशन का, कायनात की सबसे तेज़ रफ्तार रोशनी है, तो रोशनी का मुवाजना, स्पीड ऑफ लाइट का मुवाजना किसके साथ करना, स्पीड ऑफ लाइट का मुवाजना किसके साथ करना, हर चीज़, हर मोशन करती चीज़ का, हर हरकत करती चीज़ का मुवाजना किसके साथ कर लो, स्पीड ऑफ लाइट के साथ। रिलेटिविस्टिक मुवाजना करना, मैकेनिक्स मोशन का, चीज़ों की मोशन का मुवाजना करो सबसे स्टैंडर्ड चीज़ स्पीड ऑफ लाइट के साथ। चौथी चीज़ सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, ये जानना कि ये जो सॉलिड है ये किन मैट किन
किन मैटर से कंपोज हुआ है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, एटम्स कैसे बैठे हैं, मालिक्यूल तरतीब से बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, किस तरह जुड़े हैं, किस तरतीब से जुड़े हैं, तरतीब है बेतरतीब है मैटर के मतलब, ये जानना क्या कहलाता है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। उनकी प्रॉपर्टी, उनकी कंस्ट्रक्शन, उनकी कंपोजिशन, उनकी तरतीब जानना मैटर की, वो क्या है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। ये चार बड़े शोबे किसके बने, फिज़िक्स के, किस में, 20th सेंचुरी में। ठीक है जी, जैसे ही 1900 का आगाज़ हुआ 20th सेंचुरी शुरू हो गई। अच्छा अब जी, अब फिज़िक्स जो है वो बड़ी अहम चीज़ है, जो ना सिर्फ अब अपने सब्जेक्ट में रोल अदा करती है बल्कि दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर भी, बायो के अंदर भी, केमिस्ट्री के अंदर भी, इंजीनियरिंग के अंदर भी, सितारों के इलम के अंदर भी, ज़मीन के इलम के अंदर भी, म्यूज़िक के इलम के अंदर भी, समुद्रों के इलम के अंदर भी इस्तेमाल होती है। अगर फिज़िक्स को किसी और शोबे में इस्तेमाल किया जाए, अगर फिज़िक्स को किसी और डिपार्टमेंट में इस्तेमाल किया जाए, किसी और साइंस में इस्तेमाल किया जाए, तो वो कौन सी फिज़िक्स बन जाती है, उसे कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिज़िक्स। अगर फिज़िक्स क्या करे, किसी और साइंस के अंदर इस्तेमाल हो, उसे हम नाम देते हैं इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिज़िक्स। वो एरियाज, वो शोबे जिनमें किसका इस्तेमाल है, फिज़िक्स का इस्तेमाल है, वो डिपार्टमेंट्स, वो एरियाज जहां फिज़िक्स का इस्तेमाल है, मसलन मेडिकल, हम हॉस्पिटलों में जाएं, जितनी भी मशीनें ऑपरेट होती हैं उनमें कौन से रूल्स, कौन से प्रिंसिपल, कौन से कवानीन इस्तेमाल होते हैं फिज़िक्स के, तो उसे क्या नाम दिया जाता है, मेडिकल फिज़िक्स। बायो के अंदर, बायोलॉजी के अंदर, जानवरों का इलम, पौधों का इलम, इंसानों का इलम, उसके अंदर फिज़िक्स का इस्तेमाल होगा तो बायो फिज़िक्स। इसी तरह केमिस्ट्री में अगर फिज़िक्स का इस्तेमाल होगा तो क्या कहलाएगा, फिज़िकल केमिस्ट्री। इसी तरह सितारों के इलम में, अगर सियारों के इलम में, एस्ट्रोफिज़िक्स। इसी तरह ज़मीन के इलम में कहेंगे, जियोफिज़िक्स। ये कुछ थोड़े से नाम हैं। इसी तरह समुद्रों के इलम में होता है ओशनोग्राफी, ओशनोग्राफी। म्यूज़िक में फिज़िक्स ऑफ म्यूज़िक। इसी तरह इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग फिज़िक्स। ये है वो एरियाज जिसमें फिज़िक्स का इस्तेमाल है, फिज़िक्स का इस्तेमाल दूसरे डिपार्टमेंट में, फिज़िक्स का इस्तेमाल दूसरे शोबों में, दूसरी साइंसेज में, इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिज़िक्स हैं। तो फिज़िक्स बहुत अहम शोबा है, फिज़िक्स बहुत अहम शाख है साइंस की। और कौन सी साइंस की, फिज़िकल साइंस की, फंडामेंटल साइंस की, फंडामेंटल साइंस की। ये बहुत बड़ी अहम ब्रांच है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी बहुत आसान कर दी, बहुत सहल कर दी, बहुत आसान कर दी है। इर्द गिर्द देखिए, मीडिया, कम्युनिकेशन, मोबाइल फ़ोन्स, टेलीफोन, ये जितने भी चैनल्स हैं, जितने भी टीवीज हैं, ये सारे सैटेलाइट्स हैं, इनकी वजह से दुनिया सुकड़ के रह गई है, ग्लोब बन गई, एक ग्लोबल विलेज बन गया है। ये सारे का सारा, इसमें किसका रोल, ज़्यादातर रोल किसका है, फिज़िक्स का। मेजॉरिटी में रोल किसका है, फिज़िक्स का। मीडिया हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, ये मैस कम्युनिकेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, इन सब के अंदर फिज़िक्स ने बड़ा ही अहम रोल अदा किया है। इसी तरह फिज़िक्स का रोल ना सिर्फ मीडिया, ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसपोर्टेशन से लेके, मैस कम्युनिकेशन से लेके, इनके अंदर ही नहीं, ये कंप्यूटर्स आप देखते हैं, मोबाइल फ़ोन जो आप देखते हैं, ये चिप्स जो आप देखते हैं, जितनी भी आप USB चिप्स देखते हैं, मदरबोर्ड्स देखते हैं, सिस्टम जितने भी डेवलप होते हैं, आईफोन से लेकर जितने भी मोबाइल फ़ोन्स बनते हैं, उनकी जो चिप्स हैं, जिनके ऊपर प्रोसेसिंग होती है, जिनके ऊपर डाटा प्रोसेस हो के उनसे मदरबोर्ड बनते हैं, उनसे प्रोसेसर बनते हैं, वो किससे बना है, सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है, रेत। और रेत को ऐसे डिफॉर्म, ऐसे उसको प्रोसेस किया गया फिज़िक्स के रूल्स लगा के, कि फ़ायदा क्या हुआ, फिज़िक्स के रूल्स लगा के हमने क्या किया, क्या बना ली, उनसे चिप्स बना ली, और चिप्स से क्या है, कंप्यूटर्स, मदरबोर्ड्स, टैब्स, ये मोबाइल।